शुरू करते हैं ना एक एक स्पोर्ट करके फटाफट से लेके जाएंगे। आर्चरी में एंड प्लीज प्लीज भाई लोग मेरे को माफ कर देना अगर गलती से कोई मिसप्रोनाउंस कर दिया मैंने नाम, इतना पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। आर्चरी में धीरज बोमा देवारा है मेंस टीम में, तरुणदीप राय है मेंस टीम में, प्रवीण जादव है मेंस टीम में, विमेंस में है भजन कौर, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। आर्चरी इज वन स्पोर्ट जहां पे हमारा हमेशा से एक्सपेक्टेशन रहती है, खासकर दीपिका कुमारी से प्रॉब्ली, इस बार अतानु दास नहीं है उनसे भी होती थी एक्सपेक्टेशन, तरुणदीप राय हैज बीन अराउंड फॉर अ वाइल नाउ, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार सरप्राइज ऑलमोस्ट? आपको तो यार आर्चरी का तो मैंने पता है, मैं आर्चरी का तो मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक मेडल नहीं आएगा कुछ नहीं, कुछ जब तक मेडल नहीं आएगा शांत बैठने बैठूंगा मैं आर्चरी के बारे में, चाहे वो मतलब 10-10 मार रहे हर मैच में, फिर मैं तो अब आर्चरी से शांति बैठूंगा। हाँ आ गया तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन भी मैं ही करूंगा, लेकिन तब तक शांत बैठूंगा, वो थोड़ा मेरा पॉलिसी है आर्चरी के बारे में फिलहाल। वही वही दैट वाज लेट्स सी आई एम होपिंग धीरज if I am not wrong ये धीरज जो है ये वही है ना जिसको आई थिंक एशियन गेम्स में इसने बाहर ही मार दिया था एकदम, मतलब बोर्ड के बाहर मार दिया था भाई ने, ये वही है ना धीरज? आई थिंक सो हाँ। तो भाई धीरज के लिए मतलब धीरज का मैंने सुना है कि मतलब देखा भी है बहुत कंसिस्टेंसी अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो एशियन गेम्स के पहले भी ऐसे ही खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, लेकिन वहाँ पे उसको जाके मुझे अब तक प्रेशर आ गया उसके नर्व्स संभाल नहीं पाया हो, लेकिन इस बार होपफुली फिंगर्स क्रॉस अच्छा खेलेंगे अपना भाई, और एटलीस्ट मतलब मैंने कह रहा हूँ 10-10 मारे, एटलीस्ट 9 मार दे भाई, 8 मतलब 7 और 6 ऐसे मत मार दे, एटलीस्ट 9 पे कंसिस्टेंट रह ले, बस इतना ही चाहता हूँ धीरज से मैं, और थोड़ा अपने नर्व्स को कंट्रोल। और तरुणदीप जो है, तरुणदीप इतना एक्सपीरियंस, तरुणदीप का एक्सपीरियंस काम आना चाहिए, तरुणदीप और इसका दीपिका का, दोनों का एक्सपीरियंस मतलब दिखना चाहिए, they need to finally come good। हाँ मतलब वो दिखना चाहिए कि 3-3, 4-4 ओलंपिक्स है इसका, चौथा ओलंपिक्स है, वो दिखना चाहिए गेम में, अगर नहीं दिखा तो फायदा क्या उसका? Exactly। और प्रवीण का भी, प्रवीण प्रवीण का भी दूसरा ओलंपिक्स है, लास्ट इसमें भी था प्रवीण, और प्रवीण को भी मैं चाहता हूँ, प्रवीण भी वैसे अभी तक कंसिस्टेंट नहीं था, अभी लास्ट में उसने कमबैक कर लिया और बना लीजिएगा टीम में, लेकिन प्रवीण को भी अब दिखाना पड़ेगा भाई कि मैं भी कुछ हूँ, नहीं तो फिर वही सेडिंग के वक्त प्रवीण मतलब तो सेडिंग के वक्त वो इतना नीचे आ जाता है, 40th रैंक आ जाता है उसका 60 लोगों में से, 64 में से, तो फिर उसको चांस ही नहीं बनता ना, थोड़ा सेडिंग तेरे ऊपर ले भाई, टॉप 15 में आने की कोशिश कर, फिर तेरे को एक चांस बनेगा आगे के लिए, ये वही होप करता हूँ प्रवीण से। वही वही देखते हैं इसको, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट I'm hoping दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय फाइनली कम गुड, एटलीस्ट यार they've been around for a while, बहुत टाइम से लगे हुए हैं ये लोग, बहुत टाइम से बाकी सारे वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप इन सब में कर देते हैं कुछ कुछ, आई एम होपिंग कि ओलंपिक फाइनली आए आगे। अपने अंकिता भगत को भी मैं जब नई नई आई थी थोड़े कुछ साल पहले, मैं बहुत हाई रेट करता था इसको, लेकिन परफॉर्मेंस डिलीवरी वैसे नहीं हुई जैसे मैं चाहता था, इससे उस टाइप का डिलीवर नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, तो मैं चाहता यार ये भी कुछ कर पाए तो अगर एक ओलंपिक्स में मजा आएगा, क्योंकि वो ऐसे कुछ एथलीट होते ना, आप वी लुक फॉरवर्ड टू देम कि ये इस पे मेरी नजर है, जब यंग होते हो ये कुछ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते तो फिर दुख होता है यार, फिर वो मतलब लगता है कि मतलब वेस्ट कर दिया इसने खुद का करियर, ऐसा लगता है। तो वो चाहता हूँ अंकिता भगत से, पहले बहुत अच्छी आर्चर थी, अभी भी है शायद अच्छी आर्चर, वो करना चाहिए उसने कुछ। उम्मीद तो कर ही सकते हैं, बाकी तो फिर अपने हाथ में कुछ है नहीं और उसके अलावा। एथलेटिक्स में आए अब, हाँ एथलेटिक्स में मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में 3 लोग हैं यहाँ से, अक्षदीप सिंह, विकास सिंह, परमजीत सिंह बिष्ट, मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक, आर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग? नॉट ऑनेस्ट, मुश्किल है बहुत, मतलब फाइनल्स तक कोई पहुंच गया एक आधा तो पहुंच जाए, मेडल तो बहुत मतलब आउटलैंडिश हो जाएगा मेडल आ गया तो, इसमें
हाँ टॉप 10 में आ जाए, हो जाएगा काम अपना। हाँ वही कह रहा हूँ, फाइनल तक आ जाए उसमें ही, दैट इज नहीं वो। फाइनल से इसमें पूरा ये फर्स्ट ही होता है, फाइनल ही होता है सीधा, हाँ चलो ओके, टॉप 10 आ जाए टॉप 10, कम टॉप से टेन आ जाए। हाँ कम, एक ऐसा तो लगे कि हाँ वी आर टेकिंग अ स्टेप अहेड, और कुछ नहीं तो। प्रियंका गोस्वामी है विमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉक, शी इज बिन अराउंड ऑल्सो, शी इज बिन अराउंड, शी इज बिन डूइंग वेल, एंड उनका भी टॉप 10, टॉप 10, टॉप 10, होपिंग फॉर अ मिरेकल बट रियलिस्टिकली टॉप 10। फिर आ गए अपने अविनाश सावले, मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज, इन भाई साहब ने अभी डायमंड लीग में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली 6th आए थे। 8-9 का किया है ना, आई थिंक 8 8 मिनट 9 सेकंड ऐसा कुछ तोड़ा है इन्होंने। 8.89 था ऐसी कुछ था, जो था। मेडल तो बहुत ज्यादा मतलब रिच के बाहर है मेरे हिसाब से। गोल्ड मेरे हिसाब से क्लियर कट फेवरेट बकाली है, बकाली लेके जाएंगे गोल्ड। और दूसरा जो है क्या नाम है यार उसका, वो भी इथियोपियन ही है शायद, वो जो है नाम बोल रहा हूँ उसका, वो शायद वो और बकाली, ये दोनों में कॉन्टेस्ट रहेगा गोल्ड के लिए, और सिल्वर फिर उसमें जो बच जाएंगे वो सिल्वर ले लेना। अविनाश साबरे अगर टॉप 5 में आ जाता है तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, मेरे लिए बहुत है वो, हाँ ट्रू ट्रू, मजा आएगा। टॉप 5 वुड बी अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, एंड मेडल तो दैट वुड बी अमेजिंग नो डाउट, ब्रॉन्ज भी आ जाता है अगर तो, बट टॉप 5 ऑल्सो वुड बी अ वेरी गुड अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, और कुछ नहीं तो, कि हाँ आगे बढ़ रही हैं चीजें, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नहीं हाँ ठीक है, उसके बाद डबल डबल इवेंटर पारुल चौधरी, वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज, वुमेन्स 5000 मीटर स्टीपल चेज, दोनों के लिए क्वालिफाई है, दोनों में स्टार्ट करेंगी। इन्होंने एशियन गेम्स में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस मारा था, हाँ एंड शी इज बिन डूइंग वेल, पिछले कुछ महीने में इंजरी अप डाउन हुआ है इनका थोड़ा, एंड परफॉर्मेंस भी उस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ ही ऑब्वियसली, बट बहुत मन है, अगर मतलब बहुत बहुत दुआ है कि यार आ जाए, कुछ आ जाए इनसे, बट टॉप 5 नहीं, मुश्किल है रियलिस्टिकली टॉप 5 भी, मुश्किल है इनके लिए। इन दोनों में से हाँ एक में नहीं दोनों में मुश्किल लग रहा है मुझे तो फिलहाल, नहीं, चाहता दैट्स व्हाट आई'म तो सेइंग, मैं भी वो, रियलिस्टिकली द मैक्सिमम वी कैन होप फॉर, हाँ नहीं रियलिस्टिकली वो द चाहता मैक्सिमम वी तो, कैन होप फॉर। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है शायद आउटसाइड चांस है फाइनल में क्वालिफाई करने का इनका, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत वो वर्ल्ड लेवल पे इथियोपियंस एंड वो अफ्रीकन्स लोग का कंपटीशन बहुत है, वो एशियन में इतना नहीं होता है, उधर बहुत कंपटीशन है हाँ उसका। चलो लेट्स होप फाइनल्स तक पहुंचे। ज्योति आरा जी, वेमेन्स 100 मीटर हर्डल्स, 110 नहीं होना चाहिए, ये 100 ही होगा, हाँ नहीं 100 है, 100 है। 100 ही है, हाँ वेमेन्स ज्योति हंड्रेड का मीटर हर्डल्स करंट करंट फॉर्म अच्छा है ज्योति का, क्योंकि मैंने ज्योति को फॉलो किया नहीं है करंट में, अच्छा है क्या उसका फॉर्म? थोड़ा सा पैची हुआ है रीसेंट में, जहां तक कुछ हुआ था रिसेंटली ज्योति आरा जी का, उसमें कुछ कुछ न्यूज पढ़ा था मैंने कि प्रॉबली नॉट देखते हैं फिर उसे ज्योति से, अनदर तो हाँ वही अपना अच्छा परफॉर्म करके आए बस उतना ही है। फाइनल्स मैक्सिमम हाँ वो मैक्सिमम, भी मुश्किल है मेरे हिसाब से, वो भी हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम। किरण पाहल, विमेन्स 400 मीटर जस्ट लेकिन एज गुड लेकिन एज। एक ही पॉइंट करना चाहूंगा, ये जो अभी जितने भी हमने नाम लिए ये सब अगर अपना खुद का पर्सनल बेस भी कर दे बहुत है, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत खुश रहूंगा अगर वो भी कर दे वो। वही वही और वही, मतलब एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग अपने जो भी लिमिट्स है उनको तोड़ के आए आगे, प्रोग्रेशन दिखे, ओलंपिक स्टेज पे प्रोग्रेशन दिखना मतलब आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो। भारत देश में हाँ एथलीट्स बेचारे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते कई बार, तो वो ऐसा कुछ कुछ एथलीट होते हैं यार उधर जाके मतलब एकदम ही खुश हो जाते हैं, वैसा नहीं देखना चाहते मैं किसी को भी, मतलब उधर जाके यार आप एटलीस्ट एक अपना फाइट दो, फाइट देना इम्पोर्टेंट है, कुछ
कुछ कुछ एथलीट में देखता हूँ उधर जाके एकदम ही ऐसा, मतलब यार ऐसा लगता है इसने कभी खेला ही नहीं है स्पोर्ट्स जिंदगी में, ऐसा खेलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब वही वही टफ फाइट वही तो देना चाहिए। वही एग्जैक्टली. सो दैट इज समथिंग, लेट्स होप फॉर इट. अभी इसमें हम जो बात कर रहे थे 20 किलोमीटर में, उसमें मुझे अच्छे से याद है टोक्यो में एक एक अपने भाई थे वो, आई थिंक इरफान, इरफान ऐसा कुछ नाम था उनका, वो स्टार्ट में मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक टॉप 3 में चल रहे थे वो 20 किलोमीटर वाले रेस में, लेकिन फिर लास्ट में इतना एग्जॉस्ट हो गया इनका उनका एनर्जी, फिर वो ये हो गया DNS लेके आ गया। मैं ढूंढते ही रहा उनको कहाँ आए कहाँ आए, फिर लास्ट में DNS लेके आ गया उनके नाम के सामने, बस को वो फिनिश नहीं किया उन्होंने, तो वही ना यार, सर DNS नहीं, कंडीशनिंग, DNF, DNF डी एन ऑफ डीएनएफ फिनिश। डी है ना, हाँ कंडीशनिंग तो कंडीशनिंग की बात आ रही थी ना यार. फिर वो इतना दुख हुआ था मुझे उस दिन यार, कि यार ये मैं ऑनेस्टली मतलब होप कर रहा था कि चलो एक मेडल देर से आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा फुस हो गया मेरा एक्सपेक्टेशन उधर। वही वही. फिर है तेजिंदर पाल सिंह तूर, मेन शॉटपुट, ये एशिया में और इन सब में बढ़िया करते हैं हमेशा, बट समहाउ ओलंपिक्स में ट्रांसलेट नहीं होता है इनका भी. बहुत ज्यादा उधर तो एक्सपेक्टेशन. यार मतलब 21.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21.5 वो तो क्वालिफाइंग है उधर, 21.5 वही की 22 इतना तो नहीं, क्वालिफाइंग है उधर। हाँ 21 ही है शायद, 21 के आसपास ही है, ट्वेंटी वन 22 ट्वेंटी नहीं वन है. होगा, लेकिन हाँ ये 21 के ट्वेंटी आसपास मारते हैं ना कंसिस्टेंटली, 21 भी नहीं मार पाता है अपने तेजिंदर, वो 20 वही मार ना. पाते हैं, 20 या He's एट been मैक्स around for ट्वेंटी a while. पॉइंट हाँ He's been around for a while, but मुश्किल है इनका तो. फिर है आपका आभा खटुआ, विमेन शॉटपुट, मुश्किल है इनका, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है. फिर आ गए आपके नीरज चोपड़ा साहब, इनसे तो उम्मीद है, रखनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए, नो डाउट, हमारी सबकी दुआएं हैं इनके साथ एक और गोल्ड के लिए. किशोर जैना, किशोर जैना एशियन गेम्स के बाद उम्मीदें थी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बेस्ट, अभी भी उम्मीदें हैं. पर्सनल बेस्ट है 87 के आसपास है इसका, 86 87 के क्लोज है काफी, हाँ लेट 86 है जहां तक मेरे को, 87 के आसपास है इतना मुझे मालूम है. तो इफ ही कैन गेट टू हिज बेस्ट देन ही कैन बी अ मेडल होप, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम में ये अपने बेस्ट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं. हाँ अपना वो भुवनेश्वर में जो हुआ था, एंड उससे पहले भी एक भुवनेश्वर वो में हुआ भी, था डायमंड डायमंड लीग में भी, डायमंड लीग लीग में। हाँ वगैरह में भी. अनफॉर्चुनेटली आई आई होप कि अपने इवेंट तक आते आते समहाउ ये फॉर्म और अपना हेड स्पेस बढ़िया कर लें, बट अभी तो और यार अनु डीपी मनु का रानी. मुझे जो दुख हुआ, मुझे डीपी मनु का वो भी क्वालिफाई होते होते वो डोपिंग में ये हो गया, वो उसका केस आ गया, हाँ वो नहीं होना चाहिए यार। डीपी मनु मैं जेन्युइनली होप कर रहा था कि वो हो जाए क्वालिफाई, तीनों मजा आता उधर तीनों को देखने में। ठीक है, एटलीस्ट लेट्स टॉक अबाउट द पीपल गोइंग. अन्नू रानी विमेन्स जैवलिन थ्रो, अनुरानी ने कमबैक तो किया है लास्ट में, अभी एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था उन्होंने, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता ना हाँ या फिर सिल्वर जीता, हाँ गोल्ड जीता आई गेस, क्योंकि गोल्ड जीता उसमें यार, गोल्ड जीता. जैपनीज जो थी कटेगुची वो नहीं थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद गोल्ड ही जीता था उन्होंने, मेरे ख्याल से गोल्ड तो था, बता देंगे हाँ बाकी भाई लोग तो अपने जो देख रहे हैं. हाँ तो आई थिंक उन्होंने 59 के साथ जीता था गोल्ड, 59 या 60 मारा था उन्होंने, तो ओलंपिक्स में आपको अगर गोल्ड चाहिए तो 64 तो मारने पड़ते हैं, 64 या 60 एटलीस्ट 63, तो नहीं 63 भी नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है अपने ली बार्बर, वो तो 66 67 मारती है, फिर एक और आई थी वो यूएसए की आई गेस, वो भी 65 प्लस तो कंसिस्टेंटली फेंकी रही है, तो अनु रानी के लिए ओलंपिक्स तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन देखते हैं टॉप फाइनल में पहले क्वालिफाई कर जाए भाई अनु रानी, फाइन भाई, या फाइनल तक पहुंचे तो दैट विल बी अ गुड थिंग. फाइनल तक पहुंचना इसलिए विल बी अ फाइनल गुड में थिंग. क्वालिफाई भी नहीं की थी आई थिंक, फाइनल में पहुंच जाए। वही वही वही. फिर आ गए आपके सर्वेश कुशारे, मेंस हाई जंप, प्रवीण चित्रावेल, ट्रिपल जंप चित्रावेल मेंस ट्रिपल जंप, अब्दुल्ला अबू बकर मेंस ट्रिपल जंप. एक्सपेक्टेशन नॉट रियली, नॉट रियली नॉट रियली.
बट अगेन जो हमने बोला था, लेट्स होप कि अपना बेस्ट दे पी के भी आए, पी भी कर दे। पी हाँ पी भी कर दे। भी कर दे बस, है ना। फिर आ गया आपका मेंस 4x400 मीटर रिले टीम, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोद जेकब, संतोष तमिलारासन एंड राजेश रमेश। फाइनल्स होपफुली बस इनका फॉर्म डिप नहीं करना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। फाइनल खेल दे, मैं खुश फाइनल्स हूँ, मोर देन इनफ है मेरे लिए। फाइनल खेल जाए। फाइनल्स। फिर आपकी आ गई वुमेन्स, वुमेन्स ये क्या लिखा है, मिक 4x400 मीटर रिले एंड 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में एक और नाम लिखा है, मीजो चाको कुरियन। नहीं समझ आया मुझे किस तरह से लिखा है इन्होंने, बट ओके। फिर आ गया विमेन्स 4x400 मीटर रिले, विद्या रामराज, ज्योतिका श्री डांडी, एम आर पुवामा, सुभा वेंकटेशन एंड प्राची। एक्सपेक्टेशन मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। प्राची इज ऑल्सो देयर इन द 4x400 मीटर मिक्स रिले। फिर आ गया आपका प्रियंका गोस्वामी एंड सूरज पनवर, रेस वॉक मिक्स्ड मैराथन। नॉट रियली, है ना। मतलब ये जो भी एथलेट्स अपने एथलेट्स एथलेटिक्स के बाकी इनको सबको मतलब देखने में मजा आएगा। इंडियन भाई कोई दौड़ रहा है अपना, सपोर्ट करेंगे इनको, लेकिन वही टीवी कर दिया अपना उसमें खुश है बस। वही, एंड इफ यू कैन पुश देन ग्रेट, द होल कंट्री इज बिहाइंड यू एक एक ऑब्वियसली। ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने सब भाई है जितने भी अभी देख रहे हैं थोड़े बहुत, सब लोग यार देखना जरूरी, कोई ऐसा मत छोड़ मत देना कि यार इनका क्या है मेडल नहीं आ रहा है। देखना इनको, सपोर्ट करना, मजा आएगा आपको देख के भी। मतलब कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा इनको, अलग अलग स्पोर्ट देखेंगे आपको। वही, एंड मजा आएगा यार, कभी कभी आता है ओलंपिक्स, बार बार तो आता नहीं हर 2 साल में नहीं आता। हाँ